Hello students, I am your math teacher. Today we'll discuss about class 10 NCERT lesson introduction to trigonometry. Okay, this is part 1 video. In this video we'll discuss about its introduction. Okay, so iske introduction mein kya hota hai ab hum dekhenge. To sabse pehle hamara topic kya hai, introduction to trigonometry. To sabse pehle hame ye trigonometry kya hota hai ये जान लेना चाहिए. तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स. कहाँ से डिराइव हुआ है ये, फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स. इसका मीनिंग देखो, ट्राई मीनिंग क्या होता है, थ्री होता है. यहाँ पर देखो इसका फुल मीनिंग देकर, ट्राई मीन्स क्या होता है, थ्री होता है. देन गॉन मीन्स क्या होता है, साइड्स होता है. एंड मेट्रॉन मीन्स क्या होता है, मेजर होता है. मीन्स देखा जाए तो थ्री साइड मेजर, तीनों साइड का मेजरमेंट मीन्स क्या होगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री होगा. तो यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द स्टडी ऑफ द थ्री साइडेड फिगर. अब थ्री साइडेड फिगर मीन्स कौन सा रहेगा हमारा, ट्राइंगल्स रहेगा. तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, स्टडी ऑफ द थ्री साइडेड फिगर, मतलब जो ट्राइंगल्स की स्टडी करना है. ओके, बाय यूजिंग द रेशियो. ओके, अब यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक. ये क्या है, इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक दैट कंबाइंस. इसमें कंबाइंस हो रहे कौन कौन से पार्ट, एरिथमेटिक, अल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री. इसमें थ्री पार्ट्स इंक्लूडेड हो रहे हैं, एरिथमेटिक, अल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री. ये पार्ट से क्या हो रहा है, हमको ये स्टडी करना है ट्रिग्नोमेट्री. अब देखो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हमें इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या आता है, उसमें कौन सा पार्ट आता है, तो आप पर ये देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में. यहाँ पर आपको साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड टेंजेंट, ये पढ़ना है. ये पूरा पार्ट कहाँ पर आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है. ओके, अब देखो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है, साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोसेकेंट है, सेकेंड एंड कोटेंजेंट है. तो इसको अब ये पढ़ने के लिए इसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है. यहाँ पर देखो साइन को क्या है, एस आई एन साइन लिखा गया है. देन कोसाइन को क्या है, कॉस लिखा गया है. टेंजेंट को क्या लिखा गया है, यहाँ पर टैन लिखा गया है. नाउ कोसेकेंट को यहाँ पर क्या होगा, कोसेक होगा. सेकेंड का क्या होगा, सेक होगा. एंड कोटेंजेंट का क्या होगा, कॉट होगा. तो यही शॉर्ट फॉर्म लेकर आपको क्या करना है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है. ओके, अब इन शॉर्ट में देखा जाए तो यहाँ पर देखो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट दिख रहे, बट ये पूरे रेशियो बाय यूजिंग द एंगल्स, एंगल्स यूज करके हमको फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर मान लो कि ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट पूरे एंगल के साथ आ रहे. सपोज आपका एंगल क्या है, थीटा है, तो आपको इसके रेशियो फाइंड आउट करना होगा बाय यूजिंग द एंगल्स. मीन्स क्या होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. इस तरह से आपको बाय यूजिंग द एंगल्स इसके रेशियो फाइंड आउट करना होगा. ओके, अब बाय यूजिंग द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की डायग्राम लेकर इसके एंगल, कौन से एंगल्स लेना है, कौन से एंगल से इसका रेशियो फाइंड आउट होता है, अब हम देखेंगे. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से. अब हम देखेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट. ओके, अब मैं यहाँ पर ये इरेज करता हूँ. अब देखो मैं यहाँ पर क्या होगा, ट्राइंगल फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि हमें यह क्या है, ट्राइंगल से यूज करके हमें यह सॉल्व करना है, मतलब इसकी रेशियो फाइंड आउट करना है. ओके, अब यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल्स निकाला है, ये एक ट्राइंगल्स है. ओके, अब कंपेयर करेंगे अब इन फिगर वन और यहाँ पर फिगर टू, सेम फिगर मैंने निकाला है राइट एंगल ट्राइंगल्स के. अब हमें यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स ही फाइंड आउट करना, मतलब चाहिए जिसका मतलब एंगल 90 डिग्री का एंगल्स होना हमें यहाँ पर. ओके, तो अब यहाँ पर देखो मैं एंगल्स के नाम लिखता, सपोज ये एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी. यहाँ पर ये एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. अब मैंने यहाँ पर दो डायग्राम्स क्यों फाइंड आउट किए, हम तो इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब रेशियो देखना है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसका रेशियो क्या होता है ये हमें देखना है. ओके, अब मैंने दो डायग्राम क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, बट इसका रेशियो क्या होगा बाय यूजिंग, मतलब जो भी रेशियो रहेगा फाइंड आउट होगा एंगल के हिसाब से होगा, जो एंगल्स लिया है उसी एंगल के हिसाब से. अब सिंपली यहाँ पर देखो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अब हम यहाँ पर मान रहे हैं कि अब यहाँ पर देखो हमें एंगल ए के लिए इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, एंगल ए के लिए इसका रेशियो फाइंड आउट करना है.
अगर एंगल जाकर भी एंगल ये रहेगा, इसका ये क्या रहेगा, बेस रहेगा, ये वाला क्या रहेगा, बेस रहेगा। ये क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस, ये क्या है, हाइपोटेनियस, और ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए ये, तो इसलिए इसका बेस मतलब एंगल्स को लगकर ही क्या रहेगा, उसका बेस रहेगा। तो एंगल ए के लिए इसका बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, और यहाँ पर हाइपोटेनियस ये है। अब सिमिलरली यहाँ पर देखो, मैं अगर एंगल सी लेता हूं, मैं यहाँ पर एंगल सी लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो एंगल्स को लग के क्या रहेगा, उसका बेस रहेगा, मतलब यहाँ पर बेस क्या होगा, ये पार्ट्स होगा, परपेंडिकुलर होगा ये होगा, और हाइपोटेनियस तो कोई चेंजेस नहीं, ये पार्ट ये रहेगा लॉन्गेस्ट साइड। अब देखो यहाँ पर मैंने दो फिगर में कंपेयर किए कि यहाँ पर जब मैंने एंगल्स ए लिया है तो इसका बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, ओके, और हाइपोटेनियस ये साइड है। अब यहाँ पर देखो मैंने ये फिगर में इसका एंगल क्या सी लिया है, तो एंगल्स को लग के क्या रहेगा, उसका बेस रहेगा, तो इसका बेस क्या रहेगा, ये बी, और यहाँ पर देखो इसका परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनियस, और किसी हिसाब से हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है वन बाय वन। अब देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट, अब सभी के सिक्स रेशियो रहते थे, यहाँ पर देखो अब एंगल कौन सा, यहाँ पर ए है, तो साइन ए के लिए, साइन ए के लिए इसका रेशियो क्या रहेगा, यहाँ पर देखो साइन ए के लिए रेशियो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, एक बार ध्यान में रखना, साइन ए, साइन एंगल ए के लिए, साइन ए मीन्स साइन एंगल ए के लिए यहाँ पर इसका क्या होगा रेशियो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पर, बीसी, ये होगा बीसी बाय हाइपोटेनियस कौन सा है यहाँ पर, एसी, तो क्या होगा ये एसी हो जाएगा। नाउ अब हम सेकंड देखेंगे यहाँ पर कॉस ए के लिए, कॉस एंगल ए के लिए, कॉस एंगल ए के लिए इसका रेशियो क्या रहता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये यहाँ पर इसका बेस बाय हाइपोटेनियस। अब बेस कौन सा है यहाँ पर, ए बी, तो ये होगा ए बी बाय हाइपोटेनियस क्या रहेगा, एसी रहेगा, हाइपोटेनियस एसी। उसके बाद क्या लेना है हमको, टैन, टैन एंगल ए, मतलब टैन ए, टैन ए के लिए यहाँ पर देखो, अब टैन ए के लिए यहाँ पर अब क्या होगा इसका रेशियो, टैन ए के लिए इसका रेशियो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब पी बाय बी, ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, पी बाय बी, ये होगा इसका मतलब रेशियो होगा, तो परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पर, बीसी, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बीसी है, और बेस क्या है यहाँ पर, ए बी, बेस है यहाँ पर ए बी। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, साइन एंगल ए के लिए कॉस ए एंड टैन ए के लिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। अब यहाँ पर इसका मतलब कोसेक, सेक एंड कॉट के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ होगा यहाँ पर आपका कोसेक, कोसेक एंगल ए, एंड फिफ्थ क्या होगा यहाँ पर, सेक एंगल ए, और लास्ट में होगा सिक्स यहाँ पर कॉट एंगल ए। सिंपल है ये भी जिस तरह से, तो कोसेक का क्या होगा, जो साइन का रहेगा उसका इनवर्स हो जाएगा, मतलब सॉरी उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो साइन ए के लिए क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, तो कॉस कोसेक ए के लिए क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स क्या होगा यहाँ पर एसी बाय बीसी, एसी हाइपोटेनियस और क्या होगा परपेंडिकुलर बीसी। नाउ यहाँ पर देखो सेक ए के लिए कॉस ए का क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो सेक ए के लिए क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस बाय ये होगा, हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस कौन सा है एसी, और बेस क्या है यहाँ पर ए बी। सिमिलरली सिंपल है, अब यहाँ पर देखो कॉट ए, टैन ए का क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो यहाँ पर देखो इसका क्या होगा, कॉट ए के लिए बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये होगा बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, बेस ए बी बाय परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी सी। तो सिंपल है यहाँ पर, मतलब ये थ्री अगर आपको याद है तो उसका रिवर्स ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम, ये तो हमें मिल गया है यहाँ पर इसका रेशियो, ये हमें एंगल ए के लिए, एक बार ध्यान में रखना कि यहाँ पर एंगल ए के लिए इसका बेस, जो एंगल्स को लगता है उसका बेस रहता है, फिर परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस ये रहेगा। तो यहाँ पर देखो एंगल सी है, तो एंगल सी का मतलब एंगल्स को लगता क्या रहेगा, बेस, तो ये बेस होगा,
ये क्या होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस, तो हम इसके हम क्या निकालेंगे यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा इसका रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट, अब यहाँ पर साइन सी के लिए निकालेंगे, ओके साइन सी के लिए साइन सी, तो फार्मूला वही रहेगा हमारा, जस्ट डायग्राम में यहाँ पर चेंजेस हुआ है बट क्या रहेगा सेम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर एबी है, साइन सी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर साइन ए के लिए फाइंड आउट किए, तो यहाँ पर देखो क्या है साइन सी के लिए एंगल सी के लिए क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है एबी और हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर सॉरी एसी, हाइपोटेन्यूस है एसी। नाउ सेकंड देखो यहाँ पर कॉस सी के लिए, कॉस एंगल सी के लिए क्या रहेगा यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब देखो बेस क्या रहेगा यहाँ पर बीसी रहेगा, बीसी एंड हाइपोटेन्यूस क्या रहेगा यहाँ पर सेम एसी रहेगा। नाउ थर्ड देखो यहाँ पर क्या बनेगा टेन सी, मतलब टेन एंगल सी के लिए क्या रहेगा सेम फार्मूला रहेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर ए बी है और बेस क्या है यहाँ पर बी सी है, हो गया यहाँ पर। अब इसका उल्टा क्या होगा कोसेक सेक एंड कॉट, तो यहाँ पर देखो फोर्थ में लिखता कौन सा रहेगा यहाँ पर आपका कोसेक एंगल सी, कोसेक एंगल सी तो फॉर्म क्या रहेगा वही रहेगा जस्ट चेंज हो जाएगा हाइपोटेनियस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, तो ये होगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर एसी और परपेंडिकुलर क्या है एबी, तो ये एसी बाय एबी। सिमिलरली हमें नेक्स्ट सॉल्व करना है क्या होगा पिप सेक के लिए, सेक एंगल सी के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा अगेन हाइपोटेनियस बाय ये होगा सेक का बेस, उल्टा हो जाएगा कॉस का, तो क्या होगा हाइपोटेनियस क्या है एसी और बेस क्या है यहाँ पर बीसी है। नाउ सिक्स क्या है यहाँ पर कॉट एंगल सी, कॉट एंगल सी में यहाँ पर देखो क्या होगा अब परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस है सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो कॉट क्या होगा यहाँ पर बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखो बेस क्या है यहाँ पर आपका बेस है बीसी और यहाँ पर आपका क्या है परपेंडिकुलर है एपी, परपेंडिकुलर है यहाँ पर आपका एपी, तो यहाँ पर देखो कितना सिंपल था, जस्ट आपको एंगल ध्यान में रखना है, एंगल के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, अगर ये एंगल से तो ये बेस होगा ये परपेंडिकुलर, अगर आपका एंगल ये है तो ये बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा ये सिंपली उसी तरह से रहेगा, ओके तो ये पूरा याद कर लेना। अगर इसी को याद करना है तो एक बार ध्यान में रखना यहाँ पर आपको ये अगर सिंपली यहाँ पर अगर ध्यान में रखना है ओके साइन कॉस टेन के लिए, साइन कॉस टेन के लिए अगर आपको ध्यान में रखना है तो पी बी पी क्या होगा पी बी पी एंड एच एच बी, ये फॉर्म यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो सीधा सीधा यहाँ पर एक बार ध्यान में रखना कि ये आपका परपेंडिकुलर है बेस है परपेंडिकुलर बेस, तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर इसका उल्टा कर लेना ओके। तो यहाँ पर सिंपल है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सिंपली याद हो जाएगा, बट एक बात ध्यान में रखना कि इसका एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल के ऊपर डिपेंडेबल है, अगर आप एंगल सी लोगे और इसी तरह से इसको बेस मान लोगे और इसको परपेंडिकुलर तो ये गलत हो जाएगा, जहां पर एंगल है उसी साइड में क्या रहेगा उसका बेस और परपेंडिकुलर ये रहेगा, और यहाँ पर एंगल सी है तो यहाँ पर बेस और यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, ये अगर बात ध्यान में रहेगी तो आपका प्रॉब्लम जो भी सॉल्व करोगे वो गलत नहीं होगा। अब देखो इसके आइडेंटिटी देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो होगा इसका रेशियो फॉर्म में, तो अगर यहाँ पर आइडेंटिटी भी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में तो ये मैं इरेज करता है एक साइड, यहाँ पर देख लो तो क्या होगा यहाँ पर देखो अब देखो यहाँ पर हम इसकी सिंपली आइडेंटिटी देख लेंगे, ओके आइडेंटिटी में अब देखो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, अगर यहाँ पर देखो फर्स्ट यहाँ पर मैं लिखता है कि अगर यहाँ पर क्या है साइन थीटा है थीटा की जगह ओके साइन थीटा है तो इसका क्या होगा वन बाय कोसेक थीटा होगा, वन बाय कोसेक थीटा होगा, थीटा यानी आपका एंगल, आइडेंटिटी देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर थीटा मीन्स क्या होगा यहाँ पर, अब ठीक है आपको मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता एंगल है ये आपका, ये क्या है एंगल है ओके,
तो अगर साइन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर 1/cosec थीटा, देन सेकंड अगर आपको cos थीटा है तो cos थीटा का क्या होगा यहाँ पर 1/sec थीटा, 1/sec थीटा, और यहाँ पर देखो थर्ड tan थीटा का क्या होगा 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। अब सिमिलरली इसका अब यहाँ पर cosec थीटा के लिए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर देखो फोर्थ में cosec थीटा आपको चाहिए, cosec थीटा तो क्या होगा ये देखो cosec थीटा जाएगा तो ये cosec sin की जगह आएगा, sin इसकी जगह मींस क्या होगा 1/sin थीटा हो जाएगा, 1/sin थीटा। अब फिफ्थ में देखो sec थीटा के लिए, sec थीटा के लिए यहाँ पर देखो sec थीटा के लिए, अब यहाँ पर देखो क्या होगा sec थीटा के लिए, sec थीटा अगर इधर जाएगा तो ये क्या होगा cos इधर आएगा, मींस क्या होगा 1/cos थीटा, ये क्या होगा आपका 1/cos थीटा बन जाएगा। नाउ सिक्स्थ देखो, अब यहाँ पर देखो tan है तो अब क्या होगा cot थीटा के लिए, cot थीटा के लिए देखो ये cot थीटा इधर आएगा तो क्या होगा 1/tan थीटा हो जाएगा, तो ये होगा 1/tan थीटा बन जाएगा। तो सिंपली है यहाँ पर ये पूरी आइडेंटिटीज आपको ध्यान में रखना है। अगेन यहाँ पर तो आइडेंटिटीज है मतलब इसके यहाँ पर अभी मैं ये इरेज करता है, अब देखो यहाँ पर आपको दो टर्म्स के लिए यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा के लिए ओके ये दो टर्म्स के लिए यहाँ पर अगेन आपको दो आइडेंटिटी मिलेंगी यहाँ पर सेवंथ एंड एट के लिए, सेवंथ लिख लेता मैं यहाँ पर, सेवंथ के लिए अगर हम tan थीटा के लिए अगेन आपकी आइडेंटिटी है tan थीटा के लिए क्या रहेगा sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा ये आइडेंटिटी रहेगी उसकी। और यहाँ पर देखो अगेन क्या होगा cot थीटा के लिए, cot थीटा के लिए आपकी आइडेंटिटी बनेगी cos ऊपर जाएगा तो ये होगा cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ये दो टर्म, tan थीटा यानी क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा यानी क्या होता है cos थीटा बाय sin थीटा ओके। तो यहाँ पर ये इसके आइडेंटिटी हो गई। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में अगेन एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे एंगल्स का, जो एंगल्स के लिए यहाँ पर फाइंड आउट होता है ओके। तो मैं यहाँ पर यही पर मेंशन करके बताता हूँ, यहाँ पर जस्ट ध्यान में रखना है यहाँ पर एंगल्स के लिए ओके। अगर यहाँ पर देखो एंगल्स है तो यहाँ पर आपके दो ट्रायंगल्स है यहाँ पर, सॉरी एंगल्स है ओके। तो यहाँ पर देखो एक एंगल्स है और यहां से इस तरह से एक एंगल्स निकाल रहा मैं ओके। अब यहां से ये पोजीशन में जा रहा है ये वाले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल्स है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओके। ये आपका मान लो थीटा है तो ये क्या होगा माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहां पर देखो मैंने दो डायग्राम फिगर वन एंड फिगर टू बना दिए यहां पर ओके। यहाँ पर ये फिगर वन और ये फिगर टू है ओके। तो यहाँ पर देखो एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल मतलब आपका रहेगा एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जो रहेगा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर देखो ये क्या है आपका इनिशियल टर्मिनेशन है और यहाँ पर ये देखो ये जो लाइंस रहेंगे आपकी इनिशियल आर्म्स रहेगा और क्या रहेगा ये क्या रहेगा टर्मिनल आर्म्स रहेगा ओके। तो क्या होगा यहाँ पर मैं इसको रहने दो यहाँ पर, अब एक बार ध्यान में रखना ये क्या होगा इनिशियल ये टर्मिनल और ये होगा इनिशियल और ये टर्मिनल होगा ओके। यहाँ पर लिख ही लेता मैं एक मिनट, ये क्या होगा आपका इनिशियल और ये होगा आपका टर्मिनल, टर्मिनल यहाँ पर ये आपका होगा इनिशियल और ये होगा आपका टर्मिनल, टर्मिनल आर्म होगा ओके। अब यहाँ पर देखो एंगल्स में एक बार ध्यान में रखना कि जो एंगल्स है एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो क्या रहेगा आपका पॉजिटिव एंगल्स रहेगा, क्लॉकवाइज में सॉरी क्लॉकवाइज में रहेगा जो निगेटिव एंगल्स रहेगा। तो यहाँ पर देखो एंगल्स क्या रहेगा एंगल सेम क्या होगा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में एंगल्स क्या रहेगा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव रहेगा। ओके तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव थीटा, ये एंगल से। अब यहाँ पर देखो क्या रहेगा क्लॉकवाइज में, यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज में एंगल क्या रहेगा, यहाँ पर आपका निगेटिव रहेगा, एंगल जो रहेगा आपका निगेटिव रहेगा। यहाँ पर क्या है आपका निगेटिव एंगल थीटा है, निगेटिव एंगल थीटा है। तो यहाँ पर देखो एंगल्स में एक बार इतनी सी सिंपली ये बात दो बार ध्यान में रखना, इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म। एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल्स रहेगा आपका पॉजिटिव एंड जो क्लॉकवाइज में रहेगा वो एंगल्स रहेगा आपका निगेटिव। ओके एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव एंड यहाँ पर क्या है थीटा, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज एंगल ये एंगल थीटा रहेगा, क्या रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके तो यहाँ पर हमारा ये सिंपली था इंट्रोडक्शन पार्ट जो आपको पूरा बेसिक यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके तो यहाँ पर हमारा क्या होगा ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। ये पूरा आपको क्या करना है याद रखना है, जब आप याद रखोगे तो आपको सिंपली ये पूरा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पूरा पार्ट अच्छी तरह से याद कर लेना। ओके थैंक यू।